हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पावर। लास्ट सेशन में हमने किया सोर्सेस ऑफ पावर, आज हम करेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ पावर। पावर के कितने काइंड्स हैं और टाइप्स हैं, पावर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम एक इकोनॉमी में पावर को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर को हम क्या कह सकते हैं, मनी पावर। मीन जो ज्यादा वेल्थी है, रिच है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है, वो इकोनॉमिकली पावरफुल पर्सन होता है। जे हमारे एशियन टाइम से चलता आ रहा है, जो रिच पर्सन होते हैं, जो वेल्थी पर्सन होते हैं, हम उनको पावरफुल मानते आ रहे हैं। एक विलेज में भी क्या होता है, जो सरपंच होता है वो वेल्थीस्ट पर्सन को ही माना जाता था। जब हमारे देश में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिन लोगों के हाथ में थे, हम उनको ही पावरफुल मानते थे। कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। कम्युनिज्म से पहले क्या होता था, विलेज में एक लीडर कौन माना जाता था, जो उस विलेज में सबसे रिच पर्सन होता था, तो वो क्या था, एक पावरफुल पर्सन था। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे, तब भी क्या था, वोट का राइट किनको था, जो रिच पर्सन होते थे। उस टाइम जिसकी इनकम 15,000 से ज्यादा होती थी, उनको ही वोट देने का राइट होता था। मींस क्या है, एक पर्सन को पावरफुल कैसे बनाया जाता है, उसकी वेल्थ पावरफुल बनाती है। जी आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है कि जिसके पास पैसा होगा, सोसाइटी में उसकी ही बात मानी जाएगी। वो जो कहता है, हम सब लोग उनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं। इसीलिए एक पावरफुल पर्सन कौन है, जिसके पास वेल्थ है, मनी है, उसकी सब बात मानते हैं। हम ये कह देते हैं, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, जिसका माइंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, अगर वो वेल्थी है ना, तब भी हम उसको सियाना मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं, उसका पैसा उसको सियाना बना रहा है, उसकी वेल्थ है, जिस वजह से लोग उसकी बात को मान रहे हैं। इसीलिए हम देश में कहते हैं कि वेल्थी अनसाउंड पर्सन वो भी क्या है, मोर पावरफुल है देन द पुअर पर्सन। इसलिए कहते हैं कि जो भी पावर है वो कैसी मिलती है, पैसे से मिलती है, वेल्थ से मिलती है। एंड हम जो देखते हैं रिच पर्सन है, दे एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। हमारे देश में भी यही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं वो रिच पर्सन नहीं है, लॉ बनाने वाले कौन है, वो भी रिच पर्सन है। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे से, रिच पर्सन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से, दोनों वे से क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। डायरेक्ट वे से कैसे, जितने भी एमपी एमएलए इलेक्शन में विन करते हैं वो रिच पर्सन होते हैं। अगर वो नहीं इलेक्ट होकर आते, वो इनडायरेक्ट वे से फंड देते हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। जिस पॉलिटिकल पार्टी को फंड ज्यादा मिलेगा, वो उसकी बात ही मानेंगे। तो जी पैसा देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से अपनी डिसीजन मनवा लेते हैं। इसीलिए हम जे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन कौन करते हैं, जो वेल्थी पर्सन होते हैं। लॉ कौन बनाते हैं, वेल्थी पर्सन से लॉ बनाते हैं, उनसे पूछ कर ही लॉ बनाए जाते हैं कि आपको जे लॉ एक्सेप्ट है जे नहीं है, जे आपके फेवर में जे अंगेंस्ट है। आज के टाइम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो लॉ बना रहे हैं, अगर कंपनीज जो उसको एक्सेप्ट करती हैं वही बनाए जाते हैं। लेबर रिफॉर्म किए जा रहे हैं, नए नए लॉ बनाए जा रहे हैं, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, वो सब किसके फेवर में बनाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके फेवर में बनाए जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो रिच पर्सन है, जो वेल्थी पर्सन है, वो ही रूल बनाते हैं, वो ही रूल को मनवाते हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से हम पर रूल करते हैं। सो रिच पर्सन एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, रिच पर्सन के पास। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, रिच पर्सन के पास।
गिव्स राइज टू पॉलिटिकल पावर एंड सोशल प्रेस्टीज। जिसके पास कंट्रोल होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो पॉलिटिकल पावर्स को एंड सोसाइटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। सो इकोनॉमिकल पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर है। अगर हम किसको पावरफुल मानते हैं, पहले तो उसकी वेल्थ को देखा जाता है, उसकी मनी को देखा जाता है। अगर हमारे देश में बात करें, हम कितने गरीब हैं, हमारे देश में 20% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, उनके लिए पावर क्या होगी? उनके लिए तो अपने खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। कोविड के बाद तो उनका हाल और भी बुरा हो गया। अगर कोविड की बात करें तो जे पॉपुलेशन का आंकड़ा जो हम कहते हैं 20% बिलो पॉवर्टी लाइन है, जे तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 25-30% में आ जाता है। अगर किसी देश में 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पावरफुल बनेंगे? वो क्या करते हैं, जो भी वेल्थी पर्सन उनको कहते हैं वो वही बात मानते हैं। तो पावरफुल पर्सन कौन बने? जो वेल्थी पर्सन है। हमारे देश में, हमारे देश की जितनी भी टोटल वेल्थ है वो उसका टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन के पास 51% वेल्थ है। मींस जो टॉप के 1% रिच पर्सन है वो हमारे देश की 51% वेल्थ कंसंट्रेट किए बैठे हैं। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, पावरफुल पर्सन्स कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल पावर में भी है, सोशल प्रेस्टीज में भी सबसे आगे हैं। हम न्यूज भी सुनते हैं, अगर कोई रिचेस्ट पर्सन है उसके घर में छोटा सा फंक्शन भी होता है तो सारी मीडिया उसको कवर कर रही होती है। अगर गरीब के घर में कोई फंक्शन हो, किसी की डेथ भी हो जाए, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाए, उसको कवर तक नहीं करती है। अगर रिच पर्सन को कफ भी होगी उसको भी सोशल मीडिया, हमारा देश का मीडिया कवर करता है। ये क्या है? इकोनॉमिक पावर है। नंबर टू पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेसी में तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट की फॉर्म कौन सी हो। मोनार्की में तो हमें पता है एक राजा के पास रूल है, करने का राइट है, उसके पास सारी पावर है। डेमोक्रेसी में और भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, उसमें भी क्या है, वो एक डेमोक्रेटिक वे से पावरफुल बना है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन लेता है, सारे पॉलिसीज बनाता है। किसके अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग, जो उसको चाहिए अपने नियर एंड डियर्स के लिए पॉलिसीज बना रहा है। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का डिसीजन वो खुद लेता है, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाता है। अगर कोई हमारे लिए लॉ बना सकता है, हम सब करोड़ों लोगों के लिए लॉ बनाने वाला पर्सन क्या है, एक पावरफुल ही माना जाएगा। उसको लॉ बनाने का राइट किसने दिया है? हम लोगों ने दिया है। हमारे ऊपर रूल करने का राइट किसने दिया है? हमने दिया है। तो को वो क्या बन गया? एक पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन बन गया। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे एमपी हैं, एमएलएस हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो क्या हो गए? पावरफुल पर्सन। कैसे? बिकॉज दे हैव द पॉलिटिकल पावर। वो हमारे लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं एंड कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करवा भी सकते हैं। इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर। इलेक्शन में भी वही जीतती है जिसके पास पॉलिटिकल पावर आती है। जो पार्टी विन कर गई वो राइट रखती है कि वो आपके लिए लॉ बना सके। तो ये क्या बन गया? एक पॉलिटिकल पावर बन गई कि वो लॉ बनाएगी लोगों के लिए। एंड इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं कि पॉलिटिकल पावर किसके हैंड्स में होती है। जो लिबरल व्यू है, लिबरल व्यू कहते हैं कि देश के लोगों के पास क्या होगी, एक्चुअल पॉलिटिकल पावर होती है। मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्स ने कहा था जो पॉलिटिकल पावर है वो प्रोलिटेरियन क्लास के पास होगी। जो कैपिटलिस्ट है उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन होगी और प्रोलिटेरियन लेबर क्लास एग्जिस्टेंस में आएगी। एक्चुअल पावर प्रोलिटेरियन के पास होगी। देन प्लुरलिस्ट व्यू कहते हैं कि स्टेट कोई एसोसिएशन है, एक सोवरेनिटी को सिर्फ एक एसोसिएशन क्यों यूज करेगी?
सभी डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन है उनके पास पॉलिटिकल पावर्स है। एंड इलीट व्यू क्या कहते हैं, जो इकोनॉमिक वेल्थी है, इलीट क्लास है, रिच क्लास है, तो पॉलिटिकल पावर उसके पास होती है, इसीलिए इलीट डेमोक्रेसी व्यू भी माना जाता है। इसके लिए हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर किसके पास है, जो रिच पर्सन है उनके पास भी एक पॉलिटिकल पावर होती है। तो जिथे इकोनॉमिक पावर देन पॉलिटिकल पावर। इसके बाद थर्ड आती है आइडियोलॉजिकल पावर, आइडियाज के ऊपर बेस्ड पावर, जैसे किसी पार्टी के क्या बिलीव्स हैं, क्या नोशंस हैं, वो सोसाइटी की आइडियाज को कैसे कलेक्ट कर रही है, तो हर एक पार्टी कैसे विन करती है, कैसे मेजोरिटी में आती है, जिसके पास बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है वो भी पावरफुल मानी जाएगी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को, सोसाइटी की नीड्स क्या है, उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आइडियोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। हम कह रहे हैं हमारे देश में 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऑफिशियली अनऑफिशियली। तो ऐसे लोगों को अगर मैं सपने दिखाऊं कि अगर मैं पार्टी में विन करती हूँ, मेरी आइडियोलॉजी जो है, मैं आप सबको एम्प्लॉयमेंट दूंगी, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाएंगी, आपको पक्का घर मिल जाएगा, आप स्लम एरिया से बाहर निकल जाएंगे, उनके सपने दिखाने के लिए मैं कोई थ्योरी निकाल के उनके सामने रख दूं, वो लोग क्या होंगे, मेरे फॉलोअर बन जाएंगे, मुझे फॉलो करने लग जाएंगे। एंड ये क्या बन गई, आइडियोलॉजिकल पावर बन गई, कि आपके आइडियाज आपको कहाँ तक ले जाते हैं, जो आप सोसाइटी में है, सोसाइटी में चल रहा है, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कोई आइडियाज दे दो, तो उसी को हम आइडियोलॉजिकल पावर कहते हैं। हमें देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बहुत सारी आई हैं, जैसे जैसे सिचुएशन थी उसी तरह की आइडियोलॉजी आ गई। हमारे देश में या फिर हर एक कंट्री में क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है, लोगों की नीड्स चेंज होती है, उसी तरह से आइडियोलॉजी भी चेंज हो जाती है। कौन सी पार्टी विन करती है इलेक्शन में, वही पॉलिटिकल पार्टी विन करती है जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लोगों के पसंद आती है, जिसकी आइडियोलॉजी पसंद आएगी हम उसी को ही वोट देते हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, हिटलर ने कैसे डेवलपमेंट की, हिटलर ने कैसे रूल किया, आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर। फिर मार्क्स आ गया, मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी, उसने कैसे डेवलपमेंट की, तो लोग मार्क्स को क्या करने लगे, फॉलो करने लगे, जे क्या बन गए, पावरफुल पर्सन बन गए। तो जे कैसे रूल करने लगे थे, अपनी आइडियोलॉजी के बेस पर, अपने आइडियाज के बेस पर इन्होंने सोसाइटी को अपने पीछे लगा लिया, सोसाइटी की जरूरतों को देखा और उनके अकॉर्डिंग उनके लिए काम करना शुरू कर दिया, तो जे क्या बन गए, पावरफुल पर्सन बन गए। इन्होंने कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी, जिसमें उन्होंने सोसाइटी के बारे में लिखा, उन्होंने प्रोलेटेरियन क्लास की फेवर की बात की, रेवोल्यूशन की बात की, और उन्होंने कैपिटलिज्म का खात्मा करने की बात कर दी। तो कम्युनिस्ट को डिवेल्प करना मार्क्सिज्म कहलाया, कम्युनिस्ट कैसे डिवेल्प होगा, तो कम्युनिस्ट पार्टीज कैसे बनी, कम्युनिज्म के बेस पर आज भी कुछ कंट्रीज एस्टैब्लिश हैं। जे क्या बन गई, एक आइडियोलॉजी बन गई, जे क्या हो गए, आइडियोलॉजिकल फादर हो गए। तो जिसकी आइडियोलॉजी अच्छी होगी उसके पास आइडियोलॉजिकल पावर होगी। एंड लास्ट वन इज नेशनल पावर, जे क्या होगी, हमारे देश की सबसे बड़ी पावर, नेशन की पावर, एक स्टेट की पावर, जिसको हम सॉवरेंटी भी कहते हैं, उसको पावरफुल। अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम कंपेयर करें कि कौन सा नेशन सबसे पावरफुल है, तो नेशनल पावर की बात कर रहे हैं। नेशनल पावर क्या होती है, इट इज द पावर दैट अ नेशन यूजेस, जो नेशन यूज कर रहे हैं उस पावर की बात कर रहे हैं, पूरा स्टेट यूज कर रहा है। जे तो कुछ पर्सन थे जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन थे जो पावर को यूज कर रही थी, ये पावर कौन यूज कर रहा है, हमारा पूरा देश, हम सब मिलकर इस पावर को यूज कर रहे हैं, दैट इज द नेशनल पावर। सो जो नेशन यूज करते हैं उस पावर को नेशनल पावर कहते हैं। इट इज अ रिलेशन विद अदर कंट्रीज,
जो हमारी दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर कर रिलेशनशिप में हम इस पावर को डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, 200 प्लस कंट्रीज हैं, इनमें से मोस्ट पावरफुल कंट्री कौन सी मानी जाती है? यूएसए। क्यों? क्योंकि वो रिच कंट्री है, उसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है, डिवेलपमेंट की हुई है। तो यूएसए क्या है? एक पावरफुल कंट्री मानी गई है, वो डिवेलप कंट्री है। अगर अंडर डिवेलप कंट्री होगी क्या हम उसको पूरे वर्ल्ड में पावरफुल नेशन मानेंगे? नहीं। तो नेशन में पावरफुल कंट्री कौन मानी जाती है, इसको हम नेशनल पावर कहते हैं कि कौन सा नेशन है जिसका रूल चलता है, जिसका डंका बजता है, उस नेशन को नेशनल पावर कहा जाएगा। ये एक कोलेक्टिव पावर होती है, पूरी देश की पावर होती है, जिसमें क्या कुछ ऐड है? इकोनॉमिक पावर। जो देश रिच है, जो डिवेलप है, वो क्या हो गया? इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया, वो पावरफुल बन गई। पॉलिटिकल पावर, जिसके देश के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिक्स के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पावर बन गया। मिलिट्री पावर, आज के टाइम में तो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम भी मिलिट्री को यूज कर सकते हैं, हमारे देश की कितनी बड़ी आर्मी है, हम ये कहते हैं हमारे आर्मी के पास कितनी राइफल्स हैं, कितनी एरोप्लेन्स हैं, नेवी के पास क्या है, ये सब क्या है? मिलिट्री पावर है। हम कैसे कैसे सुपरविजन कर सकते हैं, ये मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर क्या बनाती है? एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। साइकोलॉजिकल पावर, अगर उस देश के लोग कास्ट के बेस पर, रिलीजन के बेस पर नहीं लड़े, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकली पावर। वो देश बहुत अच्छा है, उस देश में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उन देश के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, ये भी एक स्ट्रेंथ होती है। अगर हम अपने देश में लड़ाई झगड़ा ना करें, रिलीजन कास्ट के नाम पर ना लड़े, ये क्या होगी? साइकोलॉजिकल पावर ऑफ द कंट्री। तो इन सब पावर को हम एक नेशनल पावर भी कह सकते हैं। इन नेशनल पावर को डिटरमिन कैसे किया जाता है? जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप कौन सी एरिया में रह रहे हो, आपको क्या क्या एडवांटेज मिले हुए हैं, आपके देश का साइज कितना है, पॉपुलेशन वाइज भी एंड एरिया वाइज भी, एंड नेचुरल रिसोर्सेस कितने हैं। अगर अबंडेंस में होगे तो आप पावरफुल माने जाओगे। बाउंड्रीज भी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके देश की बाउंड्रीज कैसी है? अगर बाउंड्रीज क्या होंगी? नेचुरल होंगी, तो वो कंट्री को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, पावरफुल माना जाएगा। आपके देश की पॉपुलेशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कि वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, स्किल फॉर्मेटिव है या अनस्किल्ड है, ट्रेन्ड है या अनट्रेन्ड है। आपके देश की पॉपुलेशन है अपने देश के लिए कितनी लॉयल है, वो अपने देश को धोखा दे सकती है या नहीं दे सकती। उस देश के लोग कितने करप्ट हैं, करप्शन भी डिफाइन कर दिया। अगर करप्शन ज्यादा होगी वो देश की नेशनल पावर डाउन चली जाएगी, अगर करप्ट लेस होगी पावरफुल बन जाएगा। जापान को हम कहते हैं कितना पावरफुल है, उसके देश की पॉपुलेशन है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो करप्शन फ्री कंट्री मानी जाती है। छोटा सा नेशन फिर भी पावरफुल है, इकोनॉमिकली पावर है, उसकी बाउंड्रीज कितनी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरल बाउंड्रीज हैं, ओशन ही ओशंस हैं, और देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी की वजह से हम उसको स्ट्रॉन्ग पर्सन कहते हैं। वो डेवलप्ड नेशन है, वो लेजी नहीं है, हर टाइम अपना काम खुद करते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। टेक्निकली हम कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, कितनी अचीवमेंट कर चुके हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब कुछ क्या करती है, एक नेशन की पावर को डिफाइन करती है। तो ये बन गई हमारे देश की नेशनल पावर। इंटरनेशनल लेवल पर जिस देश के पास ज्यादा पावर होगी उसी को हम स्ट्रॉन्ग कंट्री मानेंगे, पावरफुल कंट्री मानेंगे। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, जिसको हम इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर एंड नेशनल पावर में डिफाइन करते हैं। होप्स को आपको अच्छे पावर समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।